नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे अपने चैनल उर्मिला गार्डन लाइफ एंड लिविंग में आपका स्वागत करती हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो आज हमारे चैनल का इंटरव्यू हुआ है और मैं न्यूज में आने वाली हूँ। मैं आप सबको दिखाती हूँ आप सबका स्नेह और आप सबका प्रेम है जो इतना जल्दी मेरा चैनल और मेरा ये गार्डन फेमस हो गया। तो आप सबका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम। हाथ मिलाइए। तो ये है उर्मिला जी, जिनका ये खुद का बगीचा है, जिन्होंने इस गार्डन में बहुत सारी सब्जियां उगाई हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। के माइंड में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया कि खुद के घर में गार्डनिंग की जाए, सब्जियां उगाई जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से। दोस्तों मेरे दिमाग में, मैं बचपन से ही प्रकृति प्रेमी हूँ, मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है और बचपन से ही मैं पेड़ पौधे और सब्जियाँ उगाती आ रही हूँ। लेकिन जैसा कि आप सभी की समस्या है, राजधानी में रहने के कारण हम बहुत सीमित जगहों में सिमट के रह गए हैं। हमारे पास इस प्रकृति को, प्रकृति के पास जीने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम छत पे सब्जियां लगाएं और हमने कोशिश करी ऑर्गेनिक सब्जियां। तो उनमें हम कैसे पता करेंगे कि वो सीवर के पानी से नहीं सींचा गया, उसमें सीवर के पानी से उसको साफ नहीं किया गया, तो उसमें रासायनिक खाद नहीं मिली हुई है। तो इसलिए हमने कोशिश करी एक दिशा देने के लिए, लोगों को भी, समाज को भी और अपने परिवार को एक स्वस्थ जीवन देने के लिए हमने ये कोशिश करी। और ये कोशिश आपकी, छोटी सी मेरी कोशिश आपके सामने है। मेरी ये छत ऑर्गेनिक सब्जियों से, हरी भरी सब्जियों से भरी पड़ी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि उर्मिला जी ने अपने गार्डन में, दोस्तों देखिए, एक लौकी का पेड़ जिसको हम करीब 3 महीने से लगातार ये लौकी खा रहे हैं और हम पड़ोस में भी बांट रहे हैं। आप ये देखिए किस तरह से लौकी हमारी, ये पलक, ये देखो कितनी लौकियां यहाँ फली हुई हैं। ये देखिए, ये सारी ऑर्गेनिक लौकियां हैं, पूरी लौकी। दोस्तों आइए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए किस तरह से हमारी ये लौकी फल रही है, ऑर्गेनिक लौकी, वो भी तुम्बा लौकी। आपको यहाँ मार्केट में तुम्बा लौकी देखने को नहीं मिलेगी। इसको पकाने से ये घुल जाती है मक्खन की तरह। दोस्तों हमारी ये पालक देखिए, ऐसी पालक आप जमीन में नहीं पाएंगे और ये टोटल ऑर्गेनिक है और वो भी किचन वेस्ट से। मैं घर में किचन वेस्ट तैयार करती हूँ जो खाने में हम लोग यूज करते हैं, फ्रूट और उसके सबके छिलके का खाद तैयार करती हूँ। या ऑर्गेनिक खाद से हमारी ये सब्जियाँ लगी हुई हैं। ये बैगन है, कट करो। दोस्तों कहते हैं कि ठंड में भिंडी नहीं होती है, तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि हमने ठंड में लाल भिंडी तैयार करी है जो हार्ट और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप कितनी खूबसूरत लाल भिंडी, क्या कॉन्सेप्ट होता है क्या लाल भिंडी? ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। मार्केट में इसकी कीमत कम से कम 5, बिल्कुल नहीं उगाई जा सकती, लेकिन मेरी मेहनत देखिए कि ऑर्गेनिक तरीके से मैंने ठंड के टाइम में ये भिंडी तैयार कर दी, लाल भिंडी। इसी तरह से दोस्तों देखिए, मैंने लाल मूली भी लगाई है, लाल, ये देखिए मूली, इसकी खूबसूरती देखिए और कितनी स्वस्थ, कितनी तंदुरुस्त है। और यही सेहत मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, यही सेहत मैं समाज को देना चाहती हूँ। कुछ इसको देख के समाज अगर 2-4 घर भी कोशिश करते हैं इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जी उगाने की, तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले न्यूज में देख रही थी, और इन्हें बनाने, मतलब इन्हें उगाने में आपको कितनी मेहनत लगी, कितना वक्त आपका जाया हुआ, तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरे गार्डन में बहुत सारी सब्जियां लगी हुई हैं, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल, ज़्यादातर लीफी वेजिटेबल लगा हुआ है, बैंगन, टमाटर, मटर, धनिया, मिर्ची और इसी तरह भिंडी, मूली, पालक, गाजर, लौकी, मिर्ची, मतलब कई तरह के बैंगन, सफ़ेद बैंगन, ग्रीन बैंगन, बहुत सारे सब्जियां लगी हैं। और इनको लगाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से ये मिर्ची होती है 5-6 फुट की और इतना फलती है, ये बढ़ते जाती है, फलते जाती है और इसकी हाइट 5-6 फुट की। मैं पहली बार इतनी लंबी मिर्ची देखी, तीखी होती है बहुत तीखी। तो इसको हम स्टेज थे
उससे मैंने सब्जियां लगाई। ये चना तो आप दिखाइए कितना खूबसूरत चना है। ठंड के दिनों में ये एक चना एक ऐसी सब्जी होती है जो सिर्फ ठंड में ही मिलती है। ऊपर बैगन प्याज नहीं पड़ती है, लेकिन ये प्याज से प्याज इतनी बड़ी बड़ी इसमें हुई है। आप देखिए सीढ़ी की तरफ जाइए। और ये है मिर्चियाँ, ये लेकिन मैंने दो मतलब एक ये है और एक इसके ऊपर है। दो फ्लोर में किया हुआ है। एक फ्लोर में हमने वेजिटेबल लगाया हुआ है और एक फ्लोर में आप ये देखिए मेरे खूबसूरत एग्रीनियम और साथ में इसमें बथुआ भी लगा हुआ है। देखिए साथ में बथुआ भी लगा हुआ है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन तो जरूर दबा दें। दोस्तों ये हमारी टीम है जिन्होंने आज हमारा इंटरव्यू लिया और हमारे गार्डन को अपने चैनल में दिखाएंगे। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।